बच्चों आइए हम एक मजेदार खेल खेलकर पिछले पाठ में सीखी प्रक्रिया आजमाएं। इस घर में कुछ पहेलियां लिखी हैं। क्या आप दो अंकों वाली संख्याओं को जल्दी जोड़ने की प्रक्रिया द्वारा ये पहेलियां सुलझा सकते हैं? पहेली के सही हल से घर का वो हिस्सा रंग से भर जाएगा। शाबाश बच्चों, क्या आपका घर भी इसी तरह सही उत्तरों से रंगीन हो गया है? आइए बच्चों, हम इस पाठ में दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखें। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार बब्बन के आम के बाग में बहुत अच्छी फसल हुई थी। उसने अपने तीन दोस्तों को आम लेने बुलाया। बब्बन ने पहले तीनों दोस्तों को 25-25 आम दिए। फिर उसने एक अनोखी तरह से आम देने का फैसला किया। उसने एक बड़े झोले में आम भरे थे। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो एक डिब्बे को झोले में डालकर आम निकालेगा। जितने आम डिब्बे में आएंगे उतने आम उस दोस्त को मिल जाएंगे। बनी ने सोचा कि अगर वो आखिर में आम लेगा तो उसके लिए शायद कोई आम ना बचे। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में डाला और आम भरकर झोले में से निकाला। बब्बन के डिब्बे में कुल 31 आम आए। उसने ये आम बनी के थैली में डाल दिए। क्या आप बता सकते हैं कि बनी को कुल कितने आम मिले? आइए इसे एक साथ जोड़ें। बनी को पहले 25 आम मिले थे, अब उसे और 31 आम मिल गए। बनी के पास अब कुल कितने आम हुए? ये पता करने के लिए हम 25 में 31 जोड़ेंगे। आइए इसे करने की एक और प्रक्रिया सीखें। 31 को हम 30 में 1 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। तो कितने हुए? जी हाँ, 26। अब ये बिल्कुल आसान है। 26 में 30 जोड़ने के लिए हम पिछले पार्ट में देखें बनी के घर जैसे एक ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बनी के पास कुल 56 आम हो गए। बनी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि उसने सबसे पहले आम लेकर बहुत बुद्धिमानी का काम किया। अब अप्पू ने अपनी थैली आगे कर दी। बब्बन ने डिब्बे को अपने बड़े झोले में एक बार फिर डाला और कुछ आम भर कर निकला। बब्बन के डिब्बे में इस बार कुल 44 आम आए। उसने ये आम अप्पू के थैली में डाल दिए। आइए देखें कि अप्पू को कुल कितने आम मिले। अप्पू को पहले 25 आम मिले थे, अब उसे और 44 आम मिल गए। अप्पू के पास अब कितने आम हुए? 44 को हम 40 में 4 जोड़ें, इस तरह लिख सकते हैं। क्या ये सही है बच्चों? अब हम 25 में 4 जोड़ेंगे, ये हुए 29। और अंत में 29 में 40 जोड़कर कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 69। अप्पू को कुल 69 आम मिल गए। अब अंत में गोलू की बारी थी। उसने अपनी थैली आगे की। बब्बन ने गोलू से कहा कि झोले में बचे सारे आम उसके हैं। झोले में कुल 51 आम बचे थे। बब्बन ने झोले के सारे बचे आम गोलू की थैली में डाल दिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि गोलू को कुल कितने आम मिले? जी हाँ, गोलू को कुल 76 आम मिले थे।
गोलू ने सब्र से काम लेकर अंत में आम लेने का फैसला किया और उसके सब्र के मीठा फल में उसे सबसे ज्यादा आम मिल गए। बच्चों, आप भी याद रखिएगा कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इस पाठ में हमने दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की एक और दिलचस्प प्रक्रिया सीखी।